क्या आपको पता है कि देश के तिजोरी में यानी बैंकों में हजारों करोड़ों रुपए ऐसे ही पड़े हुए हैं। इन पैसों का ना तो कोई माई बाप है ना ही कोई मालिक, लेकिन अब ये पैसा आपके हाथों में आने वाला है। अब वो कैसे होगा, इसके लिए आपको हमारे वीडियो अंत तक देखना होगा। असल में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बैंकों में पड़े बिना दावे वाले डिपॉजिट्स के वारिस को खोजने के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया है। RBI ने बैंकों के लिए 100 डेज 100 पेज कैंपेन की घोषणा की है, ताकि देश के प्रत्येक जिले में 100 दिनों के भीतर बैंक के टॉप 100 अनक्लेम डिपॉजिट्स के रकम का पता लगाया जा सके और उसका निपटारा किया जा सके। अब आपके मन में सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि देश के बैंकों में कितना अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है। तो आपको बता दें कि यह आंकड़ा 35,000 करोड़ रुपए के आसपास है। अब ये राशि कितने अकाउंट्स में पड़ी हुई थी ये भी जान लीजिए। 35,000 करोड़ रुपए 10.24 करोड़ खातों में पड़ी हुई थी। पब्लिक सेक्टर बैंकों ने बिना दावे वाली करी 35,000 करोड़ रुपए की राशि रिजर्व बैंक को ट्रांसफर कर दी थी। बता दें ये राशि वैसे खातों में जमा थी जिनमें 10 साल या उससे ज्यादा समय से कोई लेन देन नहीं हुआ था। पिछले महीने ही RBI ने कहा था कि अगले 3 से 4 महीने में इससे संबंधित एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल तैयार किया जाएगा। इस पोर्टल से डिपॉजिटर और लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी अलग अलग बैंकों में पड़ी बिना दावे वाली जमा राशि के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अब ये RBI वाला अभियान कब से शुरू होगा ये जान लेते हैं। अगले महीने यानी 1 जून से 100 डेज 100 पेज अभियान शुरू हो जाएगा। अभी क्या होता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट ये जान लेते हैं। RBI के नियमों के मुताबिक सेविंग्स या करंट अकाउंट के बैलेंस अमाउंट जिसको 10 साल में कभी ऑपरेट नहीं किया गया हो, या फिर ऐसे टर्म डिपॉजिट जिनको मच्योर होने की तारीख से 10 साल बाद तक किसी ने दावा नहीं किया हो, उन्हें अनक्लेम्ड डिपॉजिट माना जाता है। इन पैसों को RBI द्वारा बनाए गए डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जाते जाते कैसे बनता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट ये भी जान लेते हैं। कोई भी सेविंग्स या करंट अकाउंट जिसे बैंक अकाउंट होल्डर्स अब इस्तेमाल नहीं करना चाहते, या फिर ऐसे टर्म डिपॉजिट जिन्हें उनकी मैच्योरिटी के बाद भी कोई लेने नहीं आता है, उससे अनक्लेम्ड डिपॉजिट बढ़ जाते हैं। और तो और मरे हुए अकाउंट होल्डर्स के खाते में पड़े बैलेंस पर क्लेम नहीं करने के कारण भी इसमें बढ़ोतरी हो जाती है। यह अभियान अनक्लेम्ड डिपॉजिटर या मृत जमाकर्ताओं के लीगल वारिसों को जमा की पहचान करने और उस पर दावा करने में मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।